पिथौरागढ़ से खबर है, जहां मुनस्यारी में बड़ा हादसा हुआ है और जीप खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बागेश्वर के सामा से होकर यह जीप जा रही थी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को मौके पर भेजा गया है, एसडीएम गंगोलीहाट भी मौके पर भेजे गए हैं। तो एक बड़ा हादसा हुआ है जहां एक जीप खाई में गिरी और हादसे में 8 लोगों की मौत हुई जबकि 3 अभी लापता हैं। तो मुनस्यारी में बड़ा हादसा हुआ है, एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी जिसमें कई लोग सवार थे, 8 लोगों की मौत हुई जबकि अभी हादसे में 3 लोग बताया जा रहा है कि वो लापता है, उनकी तलाश की जा रही है। और बागेश्वर के सामा से होकर यह जीप जा रही थी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को मौके पर भेजा गया है, एसडीएम गंगोलीहाट भी मौके पर भेजे गए। तो एक बड़ा हादसा हुआ है जहां एक जीप अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और इसमें 8 लोगों की मौत हुई जबकि 3 अब भी लापता है जिनकी तलाश की जा रही है। तो मुनस्यारी में ये बड़ा हादसा हुआ, जीप खाई में गिरी जिस वजह से करीब, इसमें बताया जा रहा है कि 11 लोग थे, 8 लोगों की मौत हुई जबकि 3 लोग अभी लापता हैं। सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, इस हादसे को लेकर अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, ये बागेश्वर के रहने वाले सभी लोग थे और एक वाहन में 12 लोग सवार थे जो कि पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील के होकरा गांव के निकट एक मंदिर है जहां ये पूजा पाठ करने जा रहे थे। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्राचीन, बहुत पौराणिक है। आज सुबह के वक्त ये सूचना प्रशासन को ग्रामीणों ने दी कि एक वाहन खाई में गिरा है और जब क्रॉस चेक करते हुए इसकी टेल तक जब प्रशासन पहुंचा तो पता लगा कि बागेश्वर की ओर से वाहन आ रहा था। इस बात की पुष्टि डीएम बागेश्वर और डीएम पिथौरागढ़ ने भी की है। आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हुई है परंतु स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी गहरी खाई और जिस प्रकार का हादसा हुआ है इसमें किसी भी व्यक्ति के बचने की उम्मीद नहीं है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी बयान आना, आधिकारिक रूप से स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। तो क्या कुछ शव निकाले गए हैं? बताया जा रहा है कुछ आंकड़े सामने आए हैं, इसमें 8 लोगों की मौत की बात की जा रही है, 3 लापता बताए जा रहे हैं। क्या कुछ शव अभी वहां से निकाले गए हैं? प्रशासनिक अधिकारी कुछ कह रहे हैं इस बारे में? जी देखिए, मेरी कमिश्नर कुमाऊं से भी इस विषय में बात हुई और डीएम बागेश्वर से भी बात हुई है। दोनों ही अधिकारियों का कहना है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं, रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बहुत गहरी खाई है लिहाजा नीचे उतर के सर्च का भी काम किया जा रहा है। मेडिकल टीमें भी मौके पर भेजी गई हैं और तैयारी इस प्रकार से भी की गई है, यदि कोई डेड बॉडी रिकवर होती है तो मौके पर ही पोस्टमार्टम की जो जरूरी कार्रवाई है उसको पूरा कर लिया जाए, क्योंकि ये जो घटना स्थल है ये बागेश्वर जिला मुख्यालय से करीब 3 घंटे की दूरी पर और पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से भी करीब 3.5। ठीक है सुदीप, मैं आता हूँ। हमारे साथ अनुराधा पाल जिलाधिकारी हैं बागेश्वर के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराधा जी, अभी इस हादसे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? ये जो हादसा हुआ है इसमें ये जो व्यक्ति थे, जितने भी लोग थे, ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के शामा तहसील से हैं और ये होकरा देवी एक फेमस मंदिर है पिथौरागढ़ में, वहां पर पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जहाँ पर ये हादसा हुआ है। तकरीबन 500 मीटर से नीचे गहराई पर गाड़ी गई है और ये बताया जा रहा है 11 से 12 लोग उसमें सवार थे। तो हमारी जो मौके पर टीम है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी 2 डिवीजन एसडीआरएफ और बागेश्वर से भी, मौके पर लगभग 1.5 घंटे पहले पहुंच चुकी है और 5 हमारे जो शव है वो रेस्क्यू कर लिए गए हैं, बाकी की खोजबीन अब कर रहे हैं और एस्कॉर्ट की एक और एसडीआरएफ की डिवीजन को भी हमने लगाया है। मौके पर ही हम लोग पोस्टमार्टम का काम करेंगे और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति जो थे वो सर्विंग थे आर्मी में, उनको भी जैसे ही उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम उनको सूचना कर देंगे। और अभी तो ये कारण क्या रहा एक्सीडेंट का ये अभी कुछ पता नहीं चल पाया है, उसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो भी होगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से काम एक्शन लिया जाएगा। अनुराधा जी, आप बता रहे हैं कि 5 शव अब तक निकाले गए हैं, यानी करीब 11 से 12 लोग इस वाहन में थे और 5 शव निकाले गए हैं अभी तक। अभी तक जो मेरे पास अभी 10 मिनट पहले की अपडेट थी, 5 शव उसमें से निकाले। और क्या क्या कारण रहे, कुछ पता चल पाया कि क्या रफ्तार ज्यादा थी, अनियंत्रित हुआ क्या वहाँ पे, रास्ता ऐसा था कि गाड़ी अनियंत्रित होके खाई में जा पलटी? ये अभी कुछ भी ये बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई मौके पर तो वहाँ नहीं था और कोई भी हमें नहीं मिल पाया है
सब एक अनुमान ही लगा रहे कि क्या हुआ होगा, कि क्योंकि वैली बहुत नैरो तो है जी। अब सुबह नींद आई है या क्या हुआ है, ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, वो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में पता चलेगा। और रेस्क्यू अभी जारी है, प्रशासनिक टीमें वहाँ मौजूद है जी। जी दोनों पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से भी, दोनों डिस्ट्रिक्ट से मौजूद है टीम। ठीक है, शुक्रिया अनुराधा जी हमसे बात करने के लिए। तो ये जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल, जिन्होंने बताया कि 5 शव अब तक निकाले जा चुके हैं और करीब 11 से 12 लोग उस वाहन में सवार थे। अभी बाकियों की लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, तलाश की जा रही है, प्रशासनिक टीम यहाँ पे मौजूद है। जो चूंकि खाई बहुत ज़्यादा गहरी है और इस लिहाजा कई तरह की दिक्कतें भी यहाँ पे रेस्क्यू में आ रही हैं, लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है जहां एक जीप अनियंत्रित होकर इस खाई में जा गिरी और उसमें करीब 11 से 12 लोग बताए जा रहे हैं और 5 शव अब तक बरामद किए गए हैं। यानी आधिकारिक तौर पे बताया गया कि 5 शव अब तक निकाले जा चुके हैं, 5 मौतों की पुष्टि हुई है। मुनस्यारी में ये बड़ा हादसा हुआ है और जो जीप थी उसमें करीब 11 से 12 लोग बताए जा रहे हैं। अब प्रशासनिक टीमें मौके पर मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तो 5 शव अब तक इस खाई से निकाले जा चुके हैं और रेस्क्यू अभी जारी है।